हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी। बात करते हैं, दूरी होती है डिस्टेंस, इसको डी से डिनोट करते हैं। चाल होती है स्पीड, इसको एस से डिनोट करते हैं। टी समय टाइम होता है, इसको टी से डिनोट करते हैं। अब चाल है, चाल को आप लिख सकते हो स्पीड बराबर डी अपॉन टी, टाइम दूरी बटा समय। और समय को अगर आप लिखना चाहते हो तो इसका टी से डिनोट दूरी बटा स्पीड, ये चाल हो गई आपकी टाइम अपॉन स्पीड। इसको नहीं, सॉरी, दूरी बटा समय होती है, चाल होती है। और अगर समय को यहाँ पे लेके आए तो टाइम और स्पीड नीचे आ जाएगी। अब देखो, बात करते हैं, 1 मीटर पर सेकंड को अगर आप इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहते हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। इसका एक कंसेप्ट यह है कि 1 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो 5/18 मीटर पर सेकंड से गुणा कर दीजिए, तो मीटर पर सेकंड के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं आज का क्वेश्चन, पहला है, एक व्यक्ति 12 मीटर पर सेकंड की चाल से 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। आपको टाइम पूछा गया है, 72 मीटर पर सेकंड को अगर आप किलोमीटर में चेंज करना चाहते हो तो आप सबसे पहले इसे 18/5 से गुणा कीजिए। 18/5 से गुणा करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, इसके अंदर 18/5 से गुणा करते ही ये, देखो 18/5 से गुणा करते हैं तो 18 और 12 एक साथ लिख देता हूँ इनको, ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर में ये चेंज हो गई, ये निकल गई आपकी स्पीड। और ये है दूरी, समय होता है टी, और ये दूरी बटे स्पीड। दूरी आपकी है 72 किलोमीटर पर आवर, 12 × 18 और 5 ऊपर चला जाएगा ये। अब देखो, 12 × 18 = 72, ये हो गए 20/12। 20/12 हो गए, इसका मतलब हो गए, इसको 4 से काटा, 5/3। 5/3 का मतलब हो गया ये आपका आवर के अंदर आया है, 5/3 आवर जो इसके अंदर आया, कितना समय लेगा ये 5/3 आवर के अंदर, ये वैल्यू आ गई। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखो औसत चाल, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल तय की गई दूरी, दूरी तय करने में लगा समय, ये अपॉन में आएगी वैल्यू, और कुल तय की गई दूरी देखिए। रमेश 15 किलोमीटर की